बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सभी लोग खड़े हो जाइए, पूज सदगुरुदेव भगवान का हमारे बीच में पदार्पण हो चुका है। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के सदगुरुनाथ सदगुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। श्री रितेश्वर जी महाराज हमारे बीच में पधार चुके हैं। धर्म की सेवा है तू। सभी लोग खड़े हो जाए, सभी से निवेदन है। सनातन धर्म की सेवा है तू सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज, हर पल तन मन धन से कार्यरत हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सब लोग स्वागत करेंगे। पूज्य सदगुरुदेव भगवान का हमारे बीच में स्वागत हो चुका है, पदार्पण हो चुका है। आइए हम और आप सब लोग बड़े भाव से पूज्य गुरुदेव भगवान की आरती में सब लोग सम्मिलित हों। श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हरि ओम ज्वालामालय नमः। चंद्रमा मनसोजा चक्षुषो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाजायत सारे तीर्थ धाम तुम्हारे चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में ओ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में मन को रोगी तन को दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हरे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में करता
आरोग्यार्थ आत्मादि बंधन मंत्र पुष्पांजलि ओम देवः शांतिरंदर जगं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकतयः शांतिः पणजवतयः शांतिर्विश्वेदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेति हरिः ओम जतनेन जनमय जन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द चित्र पूर्वे साध्याः शन्तिदेवाः हरिः ॐ गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्ना श्रीसद्गुरुदेव प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्बकपाटलाब्जै पुनः गजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरे वे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालुद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मंत्रपुष्पाजलिम समर्पयामि श्रीमद्भागवत महाप्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण के जय हो। श्री सूर्य नारायण भगवान के जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान के जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक बार पुनः जोरदार ताली बजा करके आप सब लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु श्री रतेश्वर जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। आप सब लोगों का परम सौभाग्य है कि पूज्य सद्गुरुदेव भगवान बैठ करके हम सब लोगों के ऊपर कृपा लुटा रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा जो भी लोग मंच पर हैं आप सब लोग प्रणाम करके अपने अपने स्थान पर आप सब लोग सुशोभित हो जाएं। सभी से निवेदन है शीघ्रता करें, कोई भी मंच पर आप लोग भीड़ ना करें, आप सब लोग नीचे चले जाएं। सभी से मेरा निवेदन है आप सब लोग नीचे जा करके बैठें और पूज्य गुरुदेव भगवान की हम और आप सब लोगों के ऊपर आज जो ये कृपा बरसी है, आप सब लोग वास्तव में बहुत भाग्यशाली एवं सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य गुरुदेव भगवान लगातार, मुझे अभी पता चला कि पूज्य गुरुदेव भगवान रांची से चल करके सीधे हम और आप सबके मध्य यहाँ पर विराजमान हैं। आज प्रातःकाल में सूर्य नारायण भगवान का जो ये मंदिर स्थापना हुई आप सब लोगों ने दर्शन किया, सायंकाल में वृंदावन से पधारी कथावाचिका विश्वविख्यात देवी श्री चित्रलेखा जी के द्वारा आप सब लोगों ने कथा श्रवण किया, रात्रि के बेला में पूज्य गुरुदेव भगवान का हम और आप सब लोग दर्शन कर पा रहे हैं, कुछ ही देर में पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी का हम और आप सब लोग आनंद लेंगे, टेलीविजन के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोग पूज्य गुरुदेव भगवान को निरंतर श्रवण करते ही रहते हैं। आज प्रत्यक्ष बैठकर आप लोग दर्शन कर रहे हैं, पुनः एक बार फिर से जोरदार ताली बजा करके आप सब लोग स्वागत करें पूज्य गुरुदेव भगवान का। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि वृंदावन पूज्य गुरुदेव भगवान का एक बहुत अच्छा आश्रम है, श्रीधाम वृंदावन में श्री लाडली निकुंज। जब भी आप वृंदावन जाएं तो एक बार जरूर दर्शन करें, अद्भुत पूज्य महाराज श्री का दर्शन है। और महाराज श्री की कुटिया जो आश्रम है जहां पर ये श्री लाडली निकुंज वन आनंदन धाम पीठ बना हुआ है, बारह घाट पे परिक्रमा मार्ग में है, तो आप सब लोग जब भी वृंदावन जाएं तो दर्शन करें। आज भी वृंदावन में 2100 दीपक प्रातःकाल सायंकाल में पूज्य महाराज श्री के यहाँ पर आरती होती है 2100 दीपकों का, और वहाँ पर आज भी बिजली नहीं है। वृंदावन हम लोग गए, हम लोग पिकनिक बना दिया वृंदावन को, हम लोगों ने घूमने का एक एरिया बना दिया, लेकिन पूज्य गुरुदेव जैसे ऐसे संत हमारे वृंदावन में पधारे और अद्भुत वृंदावन को आज भी वृंदावन जगह जगह पर पूज्य गुरुदेव भगवान जहाँ भी जाते हैं तो आज दर्शन करने लायक है वृंदावन की। वास्तव में वृंदावन किसको कहते हैं, जहाँ जगह जगह लोगों ने बिल्डिंगें बना दी, न जाने टूरिस्ट एरिया बना दिया, लेकिन गुरुदेव ने वृंदावन में एक ऐसा धाम बनाया आनंदम आनंदन धाम। आप जब भी जाएं दर्शन करें। आज की युवा पीढ़ी भटक रही है यहाँ वहाँ, पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में जो भी बैठ जाता है एक बार जरूर वृंदावन आने की कोशिश करता है, इतनी कृपा है गुरुदेव की। तो आप सब लोग अभी कुछ ही देर में पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी का आनंद लेंगे। आइए हम और आप सब लोग पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वचनों का आनंद लें। सभी लोग शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर विराजें। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि संतों की झोली में होता है बहुत कुछ, संतों की
झोली में होता है बहुत कुछ, मगर देते तभी हैं ये जब देख लेते हैं सब कुछ। ध्यान रखना, पात्रता लेकर बैठना, तभी कृपा बरसेगी। आज ऐसे महापुरुष का यहाँ आप लोगों के बीच में पादार्पण हुआ है। पुनः एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सब लोग स्वागत करें महाराज श्री का। आइए हम और आप सब लोग पूज्य महाराज श्री के चरणों में अपने जीवन की बागडोर को सौंपते हुए अपने जीवन को धन्य करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णम् अनंत शक्तिम् तम राधिकाम चरण रेणुम् मनुस्मरा अरम्म विषयवार्तया नरककोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमौ बत विभूमि कैवल्यत परेश भजनोन्नमदा यदि सुकादयः किं ततः परं तु मम राधिका वदरसे मनोमच्छतु परं तु मम राधिका वदरसे मनोमच्छतु देहस्थि मांस रुधिरे भीमति त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको विभक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्तवा सेवा कथारसमहो नितराम्बिवत्त्वम् सेवा कथारसमहो नितराम्बिवत्त्वम् यह तन बिसकी बेलरी मेरे गुरु अमृत की खान शीश दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता दान गुरु गोविंद दो खड़े बलिहारी गुरुवापणो जिन गोविंद दियो लगाय गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई जो बिरंच शंकर सम होई
गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री गुरुवे नमः चलो सखी वहां चले जहां बसत ब्रजराज गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज श्री राधा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वसुदेव सुत वासुदेव भगवान श्री कृष्ण रस रासेश्वरी सर्वेश्वरी पूर्णेश्वरी मातेश्वरी करुणेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभान सुता कीर्ति कुमारी श्री राधा जगत के समस्त संत महंत भक्त ज्ञानी गुरुजन सज्जन दुर्जन सबके भीतर सियाराम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी इस भावना से आप सबको प्रणाम करता हूं। बिहार के इस गया में पवित्र भूमि में लगातार 3 घंटे कथा श्रवण के बाद
और उसके एक घंटे बाद तक भी आप सब यहां बैठे रहे। मुझे तो सूचना ऐसी थी कि मैं आज सिर्फ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का दर्शन करूंगा और कल आपसे थोड़ी सी भगवत चर्चा, थोड़ा जीवन चर्चा और श्रीमद् भागवत की कथा के श्रवण के उपरांत आपके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ, आपके जीवन में मुस्कुराहट आई कि नहीं, समस्याएं दूर हुई कि नहीं, या पांडाल से घर में जाते ही फिर वही समस्याएं आपके ऊपर हावी हो जाएंगी, इसकी थोड़ी सी टेस्ट ले लेता मैं। पर यहां आने पर आपको देखा और आपने घोषणा की कि आपकी वाणी को सुना जाएगा, मैं आपके धैर्य को, आपकी निष्ठा को प्रणाम करता हूं। और बिहार में बह रही और विशेषकर गया में बह रही भगवान सूर्य नारायण की कृपा से इस भक्ति को बारंबार प्रणाम करते हुए आप सबको स्मरण करता हूं। दुनिया में सब कुछ सुनना बड़ा आसान है, पर भगवत कथा सुनना, संत चर्चा सुनना बड़ा कठिन है। अभी निंदा की कथा चले, रस चले, तो रात भर बिना चाय कॉफी के बैठ के सुनेंगे, बस पड़ोसी की निंदा हो जानी चाहिए, एक बार रस ले लेके सुनेंगे। पर हरि कथा, भगवत कथा और जीवन कथा, भगवत कथा का अर्थ और हरि कथा का अर्थ ये नहीं कि भगवान की कथा सुनो। कथा तो तुम्हारे अपने निज जीवन की ही तुम्हें समझनी होगी। मुझे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का एक बड़ा सुंदर प्रसंग याद आता है और आज चूंकि बहुत रात्रि हो गई इसलिए इसी एक छोटे से प्रसंग को कहते हुए वाणी को विश्राम दूंगा और कल आपके घर परिवार संसार समाज, आपके बच्चे, आपका निजी जीवन, आपके आर्थिक सामाजिक और वैश्विक नीतियों के लिए जो चीज़ें जरूरी होंगी वो आपसे मैं बात करूंगा कल। राष्ट्रभक्ति, भारत भक्ति और सबसे बड़ी बात है कि आप सबों के जीवन में आनंद आए, शांति आए, प्रेम आए, मुस्कुराहट आए। और मुस्कुराहट भी हो तो गया में एयरपोर्ट है, हाँ, तो कभी अगर आप हवाई जहाज से यात्रा किए हों तो एयरलाइंस में एयर होस्टेस मिलती हैं, बेटियां जो आपकी सुरक्षा करती हैं, आपकी सेवा करती हैं। और आपके हर बात पर मुस्कुराती हैं। आप जैसे भी रहो, टकले रहो, खाजे रहो, आपके मुंह दांत ऐसे निकले रहे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। घंटी दबाओगे तो आके पूछेगी वाटर प्लीज, मुस्कुराएगी। वो उसकी ड्यूटी है, उनका कर्म है, वो कर्तव्य है, उसके लिए उन्हें पेमेंट मिलता है, जॉब है उनकी, जॉब नौकरी। वो उनकी मुस्कुराहट सच्ची नहीं है, घर में माँ बीमार है, अभी अभी उनका रिश्ता टूटा है, उनके जीवन में जो चाहत है उनको नहीं मिली है, उनके हृदय में बहुत सारे दुख हैं, पर अपनी नौकरी के कारण इतना बंधन है कि उन्हें मुस्कुराना ही पड़ेगा। जब तक वो हवाई जहाज उड़ती रहेगी वो आपकी सेवा करती रहेंगी। 25 बार भी घंटी दबा के टिंग टोंग पानी, भले घर में पत्नी ना दे, तुम्हारी बहन ना दे, पर वहां जाओगे तो 20 बार तुमको पानी मिलेगी। और कई लोग इसीलिए जाते भी हैं, जीवन में घर में तो कुछ मिलता नहीं, एक गिलास पानी मांगो तो 20 गाली मिलती है, तो उसी में टिकट कटा के जाते हैं और कहते हैं कि असली आनंद यही है,
वाटर प्लीज, थोड़ा पानी लाइए। आपके बिहार की भाषा भी बहुत पवित्र है, बड़ी प्यारी सी है। तो ये उनकी मुस्कुराहट एक से दो घंटे की होती है, पर वो ओरिजिनल नहीं होती। वो न चाहते हुए भी उनको मुस्कुराना है। और एक मुस्कुराहट है श्री कृष्ण की, चाहे विपरीत परिस्थिति हो, चाहे उनके पक्ष में हो, उनकी मुस्कुराहट कोई नहीं छीनता। जरासंध जब काल यवन के साथ 23 करोड़ सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण किया, वो काल यवन इजिप्ट का राजा है, अभी जो इजिप्ट है मिस्र। अगर भारतीय और पूरे वैश्विक भौगोलिक क्षेत्र की परिगणना करो तो उस समय वो इजिप्ट से आया था, तो जरासंध और उसमें दोस्ती थी। वो बुलाया था कि आओ श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण करना है। मैंने सुना है जरासंध की भूमि भी कहीं आसपास ही है। जब 23 करोड़ सोना को लेकर के कालियवन आया तो जरासंध से पूछा, मित्र मैं श्री कृष्ण को पहचानूंगा कैसे? मैंने सुना है कि श्री कृष्ण अपने सुरक्षा के लिए अपने जैसे 10-10 लोगों को बना के रखता है, अपने जैसे चेहरे, अपने जैसे कपड़े, क्लोन। तो मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कि कौन कृष्ण है? तो जरासंध बहुत विचार करता है, कहता है अच्छा वो धोती थोड़ी ऊंची पहने होंगे, पीतांबरी होगी, बंसी भी हो सकता है, हालांकि वृंदावन में दे आए हैं, मयूर पंख भी लगा सकते हैं, यद्यपि वो भी राधा रानी को दे दिया उन्होंने। तो कालियवन पूछता है कि ये 1.5 रुपए की मयूर पंख, 2.5 रुपए का बंसी, 12 रुपए की धोती, 15 रुपए की पीतांबरी, ये तो कोई पहन के आ जाएगा? ये तो कोई पहचान नहीं हुआ। ऐसा तो कोई भी कपड़ा पहन के आ जाए, बंसी लेके आ जाए, मयूर पंख लगा के आ जाए, तो मैं उसको कृष्ण मान लूं? पहले उसी को गिरफ्तार कर लूं, मार दूं? तो जरासंध सोच में पड़ गया। अच्छा तुमको ओरिजिनल कुछ चाहिए, पहचान? बोला हाँ ओरिजिनल पहचान बताओ, जिसे एक ही बार में पहचान लो कृष्ण कौन है। तब जरासंध ने कहा कि एक पहचान है उसकी, परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी हो, कितनी भी विपरीत हो, एडवर्स हो, बहुत ही उनके विपक्ष में हो, पर वो आदमी सदा मुस्कुराता है, उसकी स्माइल कहीं नहीं जाती। और कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने जैसे ही क्लोन बना के रखे थे, 10 खड़े थे। जरासंध जब काल यवन को लेकर आया तो सबके सब मुस्कुरा रहे थे। कालियवन ने कहा आप कैसे पहचानूं? कहा जरा सैनिकों को बुला लो। और जब 23 करोड़ सेना आकर सामने खड़ी हो गई, पूरा मथुरा भर गया, तो मथुरा के एक एक जनता और वो जो 9 नकली बने हुए थे उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई, पर एक आदमी अभी भी मुस्कुरा रहा था। तो कालियवन ने कहा यही कृष्ण है? बोला हाँ यही कृष्ण है, ये कभी डर नहीं सकता, इसके चेहरे पे ओरिजिनल मुस्कुराहट है, भीतर की मुस्कुराहट। मैं चाहता हूं मेरे गया के वासियों कि ये 2 दिन मैं आपके साथ हूं, आज हूं और कल हूं, आपकी भी जो ये मुस्कुराहट है नकली। जगजीत सिंह ने कभी एक बहुत सुंदर गजल गाया था और रातों रात हिट हो गया था, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आप घबराना मत कि ये आदमी फिल्मी गाना गाता है, मैं कल आपके थोड़े भूत उतार दूंगा। वेद शास्त्र पुराण अ से लेके ज्ञ तक इतने ही लेटर्स हैं आपके पास, अ टू ज्ञ, ए टू जेड। इसी से वेद के वाक्य भी बने हैं, इसी से शास्त्र भी बने हैं,
इसी से कहानियां भी बनी हैं, इसी से गाने भी बने हैं, इसी से गालियां भी बनी हैं, सब इतने ही शब्दों से बने हैं। तो वो भूत तो मैं कल उतारूंगा, आज उतार दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कम से कम जिनके जिनके पास भूत हो अपने अपने भूत लेकर कल आना, तो इससे भूत उतारूंगा। तो ये गाना रातों रात हिट हो गया। अभी एक बड़ा प्रश्न है कि व्यक्ति को जो बात खुद से जुड़ी हुई लगती है वही चीज वो बहुत सुनता है, हिट हो जाती है, तुरंत मन में समा जाता है। इसका अर्थ ये है कि भारतवर्ष के कोने कोने में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो। अर्थात मुस्कुराहट सबकी नकली थी और भीतर गम थे, इसलिए रातों रात जगजीत सिंह का ये गाना और गजल हिट हो गया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे भीतर में भी आनंद हो, आह्लाद हो और प्रहलाद की तरह मुस्कुराते रहो, तो कल तक का इंतजार करो। तुम्हारे चेहरे पर एयर होस्टेस से श्री कृष्ण की मुस्कुराहट लाने का काम मैं इसी मंच से करूंगा और गया के चेहरे पर ओरिजिनल मुस्कुराहट होगी। वो एयर होस्टेस की मुस्कुराहट नहीं होगी, वो मुस्कुराहट श्री कृष्ण की होगी। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, परिस्थिति का नाम ही है परिस्थिति, दूसरे के द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति जिसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं। परिस्थिति तुम्हारे विपरीत है, हो ही सकता है, क्योंकि परिस्थिति दूसरों ने जो स्थिति पैदा की है आपके सामने, पर आपके सामने एक उपाय है। परिस्थितियों में जूझ कर, संघर्ष करके, तनाव में, डिप्रेशन में मरने वाले लोग परिस्थितियों के ऊपर डिपेंडेंट न रहें, बल्कि अपने स्व स्थिति का ज्ञान अगर उन्हें हो जाए। याद रखो, तुम सूर्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आए हो। सूर्य ज्ञान के प्रतीक हैं, प्रकाश के प्रतीक हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनम सलाकया चक्षु ऋण मिलितम तस्मई श्री गुरुवे नमः। सूर्य गुरु हैं, सूर्य प्रकाश हैं, जो अनंत अंधकार को मिटा करके जीवन को आलोकित कर देते, प्रकाशित कर देते हैं। जहां जीवन में तकलीफें हो, कष्ट हो, आपके जीवन में दुख हो, अवसाद हो, विषाद हो, उसको मिटाकर भगवान का प्रसाद आपके जीवन में उपस्थित कर देते हैं, उनका नाम सूर्य नारायण है, उनका नाम सूर्य भगवान है। और याद रखो मेरे भारतवासियों, इस भारत का नाम भी सूर्य देवता के ऊपर ही पड़ा है। भा का अर्थ होता है सूर्य, प्रकाश या ज्ञान, और रथ का अर्थ होता है जिसमें रथ हैं, जो उसमें लगे हुए हैं। अर्थात जिस भौगोलिक क्षेत्र के लोग सदा ज्ञान में, प्रकाश में, सूर्य में रत हैं, उस भौगोलिक क्षेत्र को भा रत कहते हैं। अर्थात जो ज्ञान में रत हो वो भारत है, हम उस भारत के वासी हैं। और मुझे बड़ा आनंद है कि मुझे इस सूर्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का अवसर प्राप्त हो गया। यद्यपि हमारे श्रीधाम वृंदावन में हमारी नवरात्रि चल रही और हमने अपने सारे कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया, पर एक कार्यक्रम भाग्यनगर हैदराबाद, जहां हजारों हजार लोग उमिया माता का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, और कई महीने पहले हमसे उन्होंने इसकी तिथि ले ली, तो मुझे अपने आश्रम की वह सारी विधियां छोड़कर मुझे हैदराबाद जाना पड़ा, और हैदराबाद से यहां भी हमारा रांची में एक पुत्र बड़ा प्यारा रहता है, उसका नाम तो मैं चीकू ही जानता हूँ, चीकू है। उसकी इच्छा थी कि मैं एक बार, वो भी शायद यहीं के हैं, और हरिंद्र जी से उनकी बातचीत हुई और बड़ी उनकी इच्छा थी कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ। मैंने पूरा प्रोग्राम ताना बाना बना के कैंसिल तो कर दिया था, लेकिन सूर्य नारायण ने ऐसी कृपा की और हरिंदर जी का ऐसा भाव रहा कि खींच के यहाँ तक हमको ले आए कि महाराज आ जाओ, कम से कम आके कुछ दे के चले जाओ। और मैं भी बड़ा प्रभावित हूँ। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि देश दुनिया का कोई जगह बचा नहीं, पर सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, अपने जीवन में पहली बार गया आने का अवसर मुझे मिला है भारत में रह करके। दिस इज फर्स्ट टाइम। लोग चौंक गए, गुरुजी आज तक नहीं आए। हम कि यार शर्म भी लगता है कहने में, लज्जा आती है, किसको बताऊं धीरे से, पर ये पहली बार गया के तरफ से शायद कभी जाना हुआ हो, पर गया के भूमि पर
कभी रुकना नहीं हुआ और मैं बड़ा आभारी हूँ इस भगवान सूर्य देव के मंदिर का, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा। और आप सब, आप कितने खुश हो मुझे पता नहीं, पर आपके इस गया में आकर के मेरी तो मनोकामना पूर्ण हो गई, साध पूर्ण हो गई। आपको देखकर मुझे आनंद आ गया। यही क्षेत्र छूटा हुआ था बिहार में, बिहार को भी नहीं छोड़ा मैंने, बिहार के कहाँ कहाँ तक, कौन किशनगंज कहाँ कहाँ कहाँ, सब अंत तक नेपाल के बॉर्डर तक सब जगह चला गया, लेकिन ये जगह बचा था। तो मैं ऋण चुकता करूंगा। कल जरा जब कहीं अच्छे निमंत्रण में जाते हैं तो हमने सुना है बिहार में जीरा और पानी पी के जाते हैं कि कुछ ज़्यादा खा पाएं। बुरा मत मानिएगा, पूरे भारत में करते हैं पर बिहार को लोग कहते हैं। तो कल आप भी श्रद्धा प्रेम और कथा या संत की वाणी सुनने के जो चार शर्त होते हैं उन शर्तों को पालन करके आना। वही शर्त जो इस व्यासपीठ से आपको कहा गया होगा कि कथा श्रवण के चार नियम बताए थे। कौन कहा? सुखदेव जी ने। किसको? परीक्षित को। जितासना, जित संग, जितेंद्रिय, जित श्वास, ये चार शर्त हैं। इन शर्तों को जो पूरा करता है वही कथा को अपने भीतर बिठा पाता है। कथा में तुम बैठ गए हो, ये तुम्हारे पूर्व के और माता पिता के पुण्य का फल है, और तुम्हारे पुण्य का फल तब होगा जब कथा तुम्हारे भीतर बैठ जाए। तुम कथा में बैठे हो ये अधूरी बात है, कथा तुम्हारे भीतर बैठ जाए तो पूरी बात हो जाएगी। और वो बात पूरी होनी चाहिए, कथा तुम्हारे भीतर बैठनी चाहिए। और ये चार शर्त तुम्हें भी मानने होंगे। इन शर्तों को पूरा करोगे तो कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत श्रेष्ठ होगा, बेस्ट होगा। मैं अपने मौज में रहूंगा, मस्ती में रहूंगा और प्रयास करूंगा कि इन एक डेढ़ घंटे में, दो घंटों में जो कुछ तुमसे कहा जा सकता है जीवन से संबंधित चीज याद रखो। पूरी दुनिया बहुत प्रगति कर गई, चारों तरफ इन्वेंशन हो गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। बस साइंस और टेक्नोलॉजी के इस बहुत प्रसार से कुछ फायदा हुआ नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आरटीआई डालो, जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में 88% से ज्यादा लोग मेंटल डिजॉर्डर्स के शिकार हैं। मस्तिष्क ठीक नहीं है 88%, 100 में 88 लोग। पूरी दुनिया में 12 बचे हैं सिर्फ। अमेरिका में 90%, यूएसए में केवल 10 लोग बचे हैं। 90 का तो माला खाली हो रहा है धीरे धीरे, ऊपर का तल्ला। मोर देन 90% पीपल मेंटल डिजॉर्डर्स के शिकार हैं। मेरे भारतवासियों, तुम भी पीछे नहीं हो। 74% भारतीय भी मेंटल डिजॉर्डर्स के शिकार हो गए हैं। मैं तो इस सूर्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में उन 26 लोगों को खोजने आया हूं जो बचे हुए हैं, और वो 26 मिलकर फिर उन 74 को ठीक कर लेंगे, और भारत में 100% आनंद, उमंग, तरंग होगा, लोगों के भीतर आनंद का प्रसार होगा। इसके लिए ये कथा है। तुम्हारी व्यथा न मिटे तो फिर किस बात की कथा है? तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे नातेदार, रिश्तेदार, परिवार, अगर उनमें से किसी को तनाव है, डिप्रेशन है और वो दवाइयां खा रहे हैं, मेडिकल साइंस में डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं बनी है, 70% अफीम होते हैं, अफीम, कोई दवाई नहीं बनी डिप्रेशन की, कोई दवाई नहीं बना तनाव का, अभी तक नहीं बना पाए मेडिकल साइंस वाले। 70% अफीम देकर बस सुला देते हैं, पर डिप्रेशन दूर नहीं हो सकता। और ये डिप्रेशन घर घर में, आज जिससे पूछो, हमारे पति डिप्रेशन में, पत्नी डिप्रेशन में, बच्चे डिप्रेशन में, तनाव तनाव तनाव। अरे कमाई बढ़ गई, विद्या बढ़ गया, स्कूलें बढ़ गई, देश प्रगति कर रहा है, दुनिया में नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, साइंस का उत्थान हो रहा है, इससे तो तुम्हारे भीतर में आनंद, शांति और प्रेम बढ़ना चाहिए था, पर हुआ क्या? यंत्र पर यंत्र बनते गए, मंत्र भूल गए, षड्यंत्र हावी हो गए, और हुआ क्या जीवन में? पहले जितना शांति था, आनंद था, आह्लाद था, गांवों के प्रेम थे, ये भारत सामूहिक परिवारों का देश था,
यहाँ एक साथ लोग रहते थे, 40-40, 50-50 लोगों के परिवार हुआ करते थे गांवों में। तुलसी का बिरवा बीच में हुआ करता था। एक तरफ बड़े दादाजी, छोटे दादाजी, मझले दादाजी, उनके बेटे एक ही आंगन में सब रहा करते थे। आज तो पति और पत्नी भी साथ में रहें तो कहते हैं हमारा सामूहिक परिवार है, क्योंकि वो भी साथ रहने का बहुत गारंटी नहीं है कि वो भी साथ रह जाए। पति पत्नी कहते हैं हम सामूहिक परिवार हैं। ये बताओ कहां 70 लोगों का परिवार, कहां गया वो गांवों का देश। भारतवर्ष का विकास विकास विकास, पंजाब ने इतना विकास किया कि सारी दुनिया में अन्न सप्लाई करने लगा, और इतना विकास हो गया अन्न पैदा करने में कि उसी पंजाब से कैंसर की ट्रेनें चलने लगी, वहां के बच्चे और बूढ़े कैंसर के पेशेंट हो गए। ये कौन सा अन्न उगाया था तुमने, ये भारतवर्ष से प्रश्न है। ये तुम्हारी साइंस टेक्नोलॉजी और तुम्हारे डेवलपमेंट पर प्रश्न है। तुम्हारे इस विचारशीलता, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया ताता थैया, जिस बात का प्रचार पूरी दुनिया, पूरे भारत में, कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का यार नहीं। रुपया जहां है, पैसे जहां हैं, वहीं रिश्ते हैं, नहीं तो उनके बाद रिश्ता तो कुछ रहता नहीं। हम बाबाओं का भी कम हाथ नहीं है, जब तक माल न मिल जाए तब तक यहां मंच पर नहीं आते, पहले तय हो जाता है कितना मिलेगा तब यहां पर आते हैं। याद करो, विद्या बेचने की चीज नहीं है। तुम्हारे शास्त्रों में लिखा हुआ है सा विद्या या विमुक्तये। विद्या उसे कहते हैं जो तुम्हें जीते जी मुक्ति प्रदान कर सके, लिबर्टी प्रदान कर सके, स्वतंत्रता प्रदान कर सके। तुम तो बंधन में हो, तनाव में हो, डिप्रेशन में हो, तुम्हारे मस्तिष्क ठीक नहीं है। घर में अगर 5 परिवार है तो 3 डिप्रेशन में है, कहां से इलाज कराओगे। रोटियां खा रहे हो घरों में, हो कपड़े पहन रहे हो, उसके बाद भी तनाव तनाव तनाव। मेरे गुरुदेव भगवान कहा करते थे जिनके पांव 2 नाव पर होते हैं वही तनाव में होते हैं, जो 1 नाव में बैठते वो कभी तनाव में नहीं होते। जो कृष्ण नाम की नैया में बैठ गया, जो राम नाम की नैया में बैठ गया, जो गुरु नाम की नैया में बैठ गया, वो कभी तनाव में नहीं रह सकता। हम राम कथा सुनते, हम भागवत कथा सुनते, सैकड़ों कथाएं सुन ली हमने, बड़े बड़े कथाकारों की कथा हमने सुन ली। और मैं तुमसे अभी पूछता हूँ, हाथ उठाओ और बोलो राम कथा सुनने वालों, भगवान राम के रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जय श्री राम जी के लिए जो लिखा है, क्या वो तुम्हारे घर में होता है? एक साधारण सा सवाल है तुमसे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा, गुरु नाम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। 6 दिन तुमने भागवत भी सुन लिया, हमने सुना है, तो इतनी तो आशा कर सकता हूं कि झूठ नहीं बोलोगे। हाथ उठाकर बोलो कि किसके घर में उनके जितने भी बच्चे हैं, प्रातः उठकर दंडवत होकर, ये घुटना छूकर ऐसे नहीं, प्रणाम, ये नहीं, ऐसा लग रहा घुटना फोड़ देगा मार के, प्रणाम, ये कौन सा प्रणाम है? ना वही माथा, दंडवत होकर पहले माता को, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। पहला नंबर माँ का है, पहली देवता पहली गुरु माँ है, दूसरे गुरु दूसरे भगवान दूसरे देवता पिता हैं, आचार्यों का नंबर तो तीसरा है। हम तो 3 नंबर के लोग हैं, अगर 1 नंबर और 2 नंबर ही गड़बड़ हो गया तो 3 नंबर क्या करेगा, क्या बनाएगा, क्या होगा 3 नंबर का? अगर 1 नंबर और 2 नंबर ने अपनी ड्यूटी पूरा नहीं की, उनके भीतर प्रीत नहीं था, उनके भीतर प्रेम नहीं था अपने बच्चों के लिए, उन्होंने बच्चों को केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन सिखाया,
वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जिसकी कोई कीमत नहीं है। स्वामी विवेकानंद जिनको यूथ आइकन कहते हो, वो स्वयं ग्रेजुएट हैं और बैरिस्टर के बेटे थे और उनके गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस पांचवी क्लास फेल थे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन कितना था? पांचवी क्लास फेल। उनका चेला कौन? विवेकानंद, जो शिकागो की सभा में गए और जमकर भारतीय धर्म पर और संस्कृति पर बोला तो पूरी दुनिया दीवानी हो गई। भारतीय धर्म, भारतीय सनातन संस्कृति का झंडा उन्होंने लहरा दिया। जब तक वो बंगाल में रहते थे तब तक बंगाल के लोग कहते थे ये गुरु चेला दोनों पागल है, पागल गुरु का पागल चेला, ये पांचवी क्लास फेल पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, ये भी देखो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आदमी, ये पांचवी क्लास फेल के चक्कर में फंस गया। परंतु जब अपने गुरु की कृपा से पांचवी क्लास फेल, लिटरेसी कम थी, लिटरेसी से कुछ नहीं बनता, देर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन, लिटरेसी और एजुकेशन में बहुत अंतर है। तुम लिटरेट हो सकते हो और इतनी डिग्रियां जो तुम्हारे सामने मैं बैठा हुआ हूं, कम से कम न जाने गिनती के नहीं इतनी डॉक्टरेट की उपाधियां, मानद उपाधियां मेरे पास है। मैं तुम में से जितने भी ग्रेजुएट के लोग हैं उनको मैथ, उनको जियोलॉजी, जूलॉजी, उनको केमिस्ट्री और फिजिक्स, जितने भी ग्रेजुएट के छात्र हैं उनको बिठा के ट्यूशन पढ़ा सकता हूं आज भी, अभी भी, इतना मेरे गुरु ने मुझे पढ़ाया है, इतनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन मुझे दी है। लेकिन उससे मेरा कुछ नहीं है, उनका दिया हुआ स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन, आध्यात्मिक ज्ञान, वो आध्यात्मिक ज्ञान जो शरीर से ऊपर उठकर आत्मा की बात करती है, ये तो गया है। जहां मृत्यु के बाद मुक्ति की बात होती है कि अगर मृत्यु हो गया पिंडदान कर दोगे तो मुक्ति हो जाएगी, चलो हो भी जाएगी, लेकिन अगर जीते जी नरक में रहे, जलते रहे काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, तनाव में, तो मरने के बाद मुक्ति प्राप्त करके करोगे भी क्या? अरे 90 साल की जिंदगी परमात्मा ने तुम्हें दी थी। दुर्लभो मानुसुदेही देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम, ये तुम्हें जीवन दिया था अत्यंत दुर्लभ। अरे जीते जी तुम हंस मुस्कुराए नहीं, हंसे नहीं, बच्चों के साथ आनंद नहीं हुआ, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं दिखाई दी, हर समय तनाव तनाव तनाव, रोटी कपड़ा और मकान, एक दुकान दो दुकान पांच दुकान सात दुकान, उसके बाद पहुंच गया श्मशान, हो गई इनकी जिंदगी। दिस इज योर लाइफ, ये जिंदगी है, ये जिंदगी मनुष्य का लेकर आयो। भोजन शयन मैथुन ये पशु भी करते हैं, पशुओं को भी उपलब्ध है। एक बार में सुअरिया 9-9 बच्चों को जन्म देती है, 9-9 बच्चों को एक साथ दूध पिलाती है, 9-9 बच्चों के रहने का स्थान बनाती है, 9-9 बच्चों को पालकर बड़ा करती है। अगर तुम भी बच्चे पैदे करके और केवल उन्हें लिटरेस ज्ञान दे करके आईए बीए सीए करा के एक फ्लैट बनाकर दे दिए, तो मैं तुमसे पूछता हूं तुम पसी से ऊपर कैसे उठ गए? What is difference between you and animal? I'm asking you, please reply. जवाब दो। अगर तुमने भी सिर्फ यही दिया अपने बच्चों को, उसके कारण उनके जीवन में तनाव, कभी मुस्कुरा नहीं सकते, आह्लादित नहीं रह सकते। ये यही भागवत की कथा है। सुदामा के पास कुछ नहीं था, परंतु द्वारिकाधीश, इस दुनिया में दो ही राजा पूरे के पूरे सोने के राजा थे, एक लंका सोने का जिसका राजा रावण, और एक सोने की द्वारिका जिसकी राजा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। एक जगह अपने भाई को भी लात मारकर भगाया जाता है और एक जगह सुदामा जैसे अपने गुरु भाई और मित्र को अपने सिंहासन पर बिठा करके गुलाब जल और इत्र से नहीं अपने आंसुओं से उनके चरण धोए जाते हैं, वो भी सोने के मंगले के राजा थे। अरे तुम धनवान बनो इसमें बुरी बात नहीं है, पर रावण मत बनो, द्वारिकाधीश बनो, श्री कृष्ण बनो। मैं नहीं कहता कि पैसे मत कमाओ, मैं नहीं कहता कि आर्थिक रूप से समृद्ध मत बनो, पर यह कहता हूं रावण मत बनो। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। जिसके 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, उसके घर में एक दिया बाती नहीं जली। कहां गया वो सोना, कहां गई वो गोल्ड, कहां गई वो सड़कें सोने की, कहां गए कंगूरे, कहां गए महल, कहां गई विद्वता, कहां गई विद्वानता, कहां गया वो बहुत रथीपना, इतना महारथी थे, कहां गया?
धर्म विरोधी होने के कारण और केवल लिटरेट होने के कारण एजुकेटेड नहीं था, दिव्य ज्ञान नहीं था। याद रखो मेरे भारतवासियों, भारत में रह करके अगर इंग्लिश बोलना नहीं आता तो अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझना। ये दो चार इंग्लिश के शब्द बोल करके तुम्हारे पास लोग आकर के जेंटलमैन बन जाते हैं और तुम डिप्रेशन में पड़ जाते हो। याद रखो इस पूरी दुनिया में सिर्फ 9 कंट्रीज में इंग्लिश बोली जाती है, वो ग्लोबल भाषा नहीं है। चाइना अपनी भाषा बोलता है, रसिया अपनी भाषा बोलता है, जापान अपनी भाषा बोलता है, फ्रांस अपनी भाषा बोलता है, स्पेन अपनी भाषा बोलता है। और तुम्हें जानकर हैरानी होगा कि ये सब भारत से ऊपर है, लिटरेसी में भी, धन में भी, ये सब ऊपर है। ये अपनी भाषा बोलते हैं, इनको अंग्रेजी का शौक नहीं चढ़ा। पर हम भारतवासी देसी मुर्गी बिलायती बोल। इंग्लैंड का कोई बच्चा अगर हिंदी बोलना नहीं जानता तो उसके लिए शर्म का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंग्लैंड में पैदा हुआ है और उसकी मातृभाषा अंग्रेजी है। वो तो बोलेगा हे मैन, कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या करता है, वो तो बोलेगा अंग्रेजी, ऐसे हिंदी बोलेगा। पर वो उसके लिए शर्म का विषय नहीं है। अगर इंग्लिश सही ना बोले तो शर्म का विषय है। मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं भी आपसे यही कहता हूं, भारत में रह करके अगर इंग्लिश नहीं आती तो कोई बुरी बात नहीं है, हिंदी और मगधी भाषा आती है, इस बात पर आप गर्व करो, शर्म का विषय नहीं है। हमको हमारी भाषा आनी चाहिए, हमको हमारी भाषा में उन्नति प्राप्त करना है। इंग्लिश सीखना बुरी बात नहीं है। मैं तुमसे पूरी कथा कल इंग्लिश में कह सकता हूं, पूरी सुनोगे तो कहूंगा बोलो। 22 भाषा जानता हूं, उड़िया में कहो उड़िया में बोलता हूं, बांग्ला में कहो बांग्ला में बोलता हूं, असमीज में बोलता हूं, रशियन में भी कर सकता हूं। सुनोगे क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ेगी। मैं बोलूंगा क्या समझे, और कहे महाराज बड़े ज्ञानी थे रसिया बोले, और यहां पल्ले कुछ नहीं पड़ा, खाली आए थे खाली चले गए। भाषा का काम केवल हमारे भीतर बोध जागृत करना है। याद रखो भारत के कोने कोने में दौड़ रहा एक युवा राजा, राजपुत्र, सन्यासी, उसको कहीं समझ नहीं मिली, कहीं ज्ञान नहीं मिला, कहीं बोध नहीं मिला। ये गया की धरती थी बोध गया, जहां उनको भी आकर के बोध और समझ मिली। हम उस भूमि के लोग हैं जहां बोध प्राप्त होती है। दुनिया में जो न मिले वो यहां मिलती है, वो बोध, वो समझ, वो इंटेलिजेंस, वो हैप्पीनेस, वो ब्लिसफुलनेस, हाउ टू लीव अ ब्लिसफुल लाइफ। सक्सेस का परिभाषा क्या है, अपने बच्चों को कहते हो सक्सेसफुल बनो, सक्सेसफुल बनो, व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसफुल, सक्सेसफुल किसको कहते हैं, चंद पैसे, दो चार गाड़ियां, कुछ बंगले, किसको सक्सेसफुल कहते हैं। दुनिया में सक्सेस की एक ही परिभाषा है, जो जितना आनंदित है, हैप्पी है, उतना ही सक्सेसफुल है। जो अपने जीवन में खुश है, आनंदित है परिवार में, वो उतना सक्सेसफुल है। पर तुम सक्सेस की परिभाषा कैसी बना दी है, तुम्हारे बच्चों के ऊपर बोझ पड़ गया, लोगों के ऊपर बोझ पड़ गया, वो सक्सेस को दूसरा समझते अपनी पूरी जिंदगी गंवा देते हो सक्सेस के पीछे। सब कुछ है पर शांति नहीं है। देश दुनिया में जाता हूं, बड़े बड़े सेठ जी लोग आते हैं, आकर के पहले आधा घंटा माथा चाटते हैं, हमारा एक बेटा लंदन में है, एक अमेरिका में है, एक यहाँ पर है, 12 फैक्ट्री वहां पर है, 14 वहां पर काम है, अंबानी जी से हमारा ये है, आधे घंटे से सर में दर्द हो गया, मैं आगे तो कुछ बोल। बोला महाराज जी शांति नहीं है। मैंने बाल पकड़ा, बल फिर तेरे पास है क्या, अभी आधे घंटे से मेरा माथा खा रहा है, क्या है बेटा, ये बेटी, ये फैक्ट्री, यहां रुपए, यहां शांति नहीं है, आनंद नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है। गरीब आदमी, लूटा हुआ आदमी, पिटा हुआ आदमी, पर ऐसे लोगों को देख करके अपने बच्चों को आप प्रेरित कर रहे हो कि तुम्हें वैसा बनना है। ना 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 ना, अपने बच्चों को प्रेरित करो। तुम्हारे पास रोटियां भले ही कम हो, मकान कम हो, दुकान कम हो, पर ये दुकान तुम्हारे सदा खुले होने चाहिए, जहां संत और ऋषि की वाणियों को सुन करके तुम और तुम्हारा परिवार आनंदित रह सके और धर्म के पथ पर चल सके। ये दुकान खोलने के लिए बोल के रखो उनको। बाकी दुकानें खुलेगी और बंद हो जाएंगी, इसको खोलो पहले, इन दुकान को। दुकान पे दुकान खोल रहे हैं, आप जरा चेहरे देख लिया करो, अब तो मोबाइल का जमाना है। जिस समय आप कथा सुन रहे होते हो, एक एक बार अपना सेल्फी ले लिया करो, देख करके चौंक जाओगे, भूत कौन बैठा हुआ, अपनी सेल्फी देख करके, ऐसा लंबा चेहरा। मानो कोई लूट लिया हो कुछ। अरे कथा तो सुन रहे हैं,
कि भले 32 में से 3-4 टूटे हुए हैं, 28 तो दिखे, ऐसे करके महाराज जी आनंद आ गया। प्रवेश, ऐसा लग रहा है कि नागिन फिल्म हो गया, हटी गई, क्या स्थिति, मुस्कुराइए। मैं एक ही बात कहता हूं, जरा मुस्कुराइए, मंथरा को दूर भगाइए, मंथरा न भागे तो खुद भाग जाइए, और मंथरा का असर पड़ गया हो तो अपने सदगुरु की शरण में आ जाइए, ताकि आपकी भी अयोध्या लूटने से बच जाएगी, राम बन जाने से बच जाएंगे, दशरथ मरने से बच जाएंगे, और अपना ही बेटा गड्ढे में रहने से बच जाएगा। एक मंथरा ने 1.5 मिनट में कैकई की ऐसी तैसी कर दी। अरे भगवान के घर को जिसने बर्बाद कर दिया, हम तुम किस खेत की मूली। उसी घर में रह के एक मंथरा ने 1.5 मिनट में कैकई के कान भरकर भगवान का घर बर्बाद कर दिया, और तुम दिन रात मंथराओं के साथ बैठते हो और फिर भी सोचते हो बच जाएंगे। अब तुम्हारा क्या होगा कालिया, बोलो इसके बाद। इसलिए मंथराओं से दूर रहना, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज तो थोड़ा सा पोस्टर चिपका के जा रहा हूं, कल कोशिश करूंगा आपको ट्रेलर दिखाऊं, और इसके बाद अगर हरिंदर बाबू और सब मिल करके कभी फिर बुलाए और मौका मिला तो पूरी फिल्म दिखाने आ जाऊंगा, पर कल तो आपको ट्रेलर जरूर दिखाऊंगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलते चलते गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। अंतिम लाइन सुना दे रहा हूं, बाकी कल सुना दो। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरा गुरुवर सदा ही मेरे साथ है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। नमः पार्वती पतये हर हर सभी भक्तों से निवेदन है, आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं निवेदन करूंगा पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए विष्णु जी का चरण चिन्ह लेकर के हमारे बीच में श्री अवधेश कुमार सिंह जी, पूर्व मंत्री जो कि बिहार सरकार से, आपसे मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आकर के पूज्य गुरुदेव भगवान को आप विष्णु जी का चरण चिन्ह आप समर्पित करेंगे। आपसे निवेदन है कृपया शीघ्रता करें, मंच पर पधारें आदरणीय श्री मंत्री जी। श्री हरेंद्र कुमार सिंह जी एवं पत्नी निराशा देवी, निशा देवी जी, आपसे भी मेरा निवेदन है कृपया आप भी विष्णु जी के चरण देकर के गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। शीघ्रता करें, जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है कृपया मंच पर पहुंचे, पूज गुरुदेव भगवान का आप स्वागत करेंगे। श्री रमेश सिंह जी, आपसे भी मेरा निवेदन है कृपया आप भी मंच पर आकर के पूज गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। श्री जितेंद्र सिंह जी, आपसे भी मेरा निवेदन है कृपया आप भी मंच पर आकर के पूज गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। श्री बलिराम सिंह जी, आपसे भी मेरा निवेदन है पूज गुरुदेव भगवान का भी आप स्वागत करेंगे। ऊपर आकर के मंच में श्री उमा सिंह जी एवं सुषमा देवी जी,
विष्णु जी का चरण चिन्ह दे करके आप पूज गुरुदेव भगवान का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें, शीघ्रता करें जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है। श्री बलिराम सिंह जी, आपसे भी मेरा निवेदन है, कृपया आप भी मंच पर पधारे पूज गुरुदेव भगवान का स्वागत करने के लिए। हमारे बीच में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर पधारे हैं। मैं निवेदन करूँगा आदरणीय श्री अभेश कुमार सिंह जी से एवं मंत्री जी से, कृपया उनका भी आप स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। आदरणीय मंत्री जी से निवेदन है, कृपया पूज गुरुदेव भगवान का चरण चिन्ह देकर के स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सब लोग स्वागत करें पूज गुरुदेव भगवान का। कल आप सब लोगों को पूज गुरुदेव भगवान का पुनः एक बार अवसर मिलेगा सुनने का। आप सबसे मेरा एक निवेदन है, कल समय का आप सब लोग विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कल पूज गुरुदेव भगवान श्री सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज ठीक यहां पर 8 बजे पधार जाएंगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि कल समय का विशेष ध्यान रखें। कल देवी जी के कथा में भी पूज्य महाराज श्री अपना आशीर्वचन यहाँ पर देने पधारेंगे। तो आप सब लोग समय का विशेष ध्यान रखें और समय से ही आप सब लोग अपने अपने स्थान पर आकर के सुशोभित हो जाएं। मैं निवेदन करूंगा, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय श्री छगन दास जी राठौर जी का, उनका भी आप मंत्री साहब एक बार स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। सभी लोग मंच खाली करते चले, सभी लोग प्रणाम कर लिए हैं पूज गुरुदेव भगवान को, सभी लोग मंच को खाली करते चले। आप सबसे मेरा निवेदन है, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान।